तुमने जो बेलपत्र चढ़ाया तो वो प्रसाद बना कि नहीं बना? बन गया ना। अब प्रसाद बन गया तो उस बेलपत्र को उठाकर लाकर खाना और खाकर अपनी औषधि के रूप में उसको स्वीकार करना, उसके बाद इस शरीर में चाहे शुगर हो, चाहे बीपी हो, चाहे ब्लड प्रेशर किसी भी रूप में हो, चाहे किडनी लीवर कुछ भी डैमेज हो रहा हो, डायलिसिस चल रहा हो, अब एक बार बाबा को चढ़ाकर उससे विनती कर कर तो लाओ कि हे शंभू, ये तेरे बल पर लेकर जा रहा हूँ, मैंने सुना है तुझ पर जो चढ़ता है वो प्रसाद बन जाता है, और ये त्रिगुणाकार बेलपत्र को मैं लेकर जा रहा हूँ, मैं खाऊं और बाबा इतनी कृपा कर देना कि ये औषधि का काम कर दे और मेरी बीमारियां समाप्त कर दे, ये शिव से कह। क्यों निर्माल्य बनकर फेंका जाए बेलपत्र को? इस बेलपत्र के मूल तत्व को जिस दिन जानोगे, बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा चल रही है रतलाम के पावन प्रागण्य में, और लाखों लाखों लोग कथा को श्रवण कर रहे हैं। कल जितने लोग आए थे उससे दो गुना लोग आए हैं, टेंट एक्स्ट्रा लगाया है, बता रहे थे कल 9 बीघा में टेंट लगा था, आज 18 बीघा में टेंट लगाया है तो भी जगह नहीं है बैठने के लिए, लोग खड़े होकर कथा सुन। और 18 बीघा के टेंट में भी जगह नहीं, पीछे पुरुष को आप एक निगाह अगर मार कर देखेंगे तो ढेरों में खड़े हैं, इधर देखो उधर देखो, जहां निगाह पहुंच जाए उधर देख लीजिए महाराज। लाखों लाखों लोग इस कथा को सुन रहे हैं। एक नियम बना लो बैसाख महीने से कि शंकर भगवान पर जो बेलपत्र चढ़ी है वो औषधि का काम करती है। शिव पर चढ़ी हुई बेलपत्र मंदिर में क्यों छोड़ें? क्यों नदी में हम इसको विसर्जन करें? क्यों नदी में छोड़ें हम इसको? उसको उठा लाए, उसका प्रयोग करा, खाया, और उसका जो फल हमें मिला वो जीवन का सुख। हम तो ब्राह्मणों से भी कहेंगे, जितने ब्राह्मण जन शंकर भगवान के मंदिर में पूजन करते हैं, जितने विप्रजन भगवान शिव के मंदिर में पूजन करते हैं, उनको करवत निवेदन, उनके चरणों को प्रणाम कर, उनके चरणों को नमन कर, उन ब्राह्मणों के चरणों को नमन कर निवेदन करूंगा कि आप शंकर जी के मंदिर में कोई प्रसाद बांटो ना बांटो, जो बेलपत्र शंकर जी के मंदिर में चढ़ती है उस बेलपत्र को उठाकर धूप में डाल दो, सुखा लो, पीस लो, और पीसने के बाद उसकी पुड़िया बना लो, उस पुड़िया को प्रसाद के रूप में देना चालू कर दो कि ये खाना चालू करो, किडनी लीवर शुगर बीपी सब धीरे 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 समाप्त होने लगेगा। तुम करो तो वो बेलपत्र ना तो किसी नदी में विसर्जन करने की जरूरत है और ना कहीं फेंकने की जरूरत है। प्रतिदिन भगवान को तुलसी चढ़ाते हो ना, तो रोज भगवान को तुलसी उनके भोग में चढ़ाते हो, उनके सामने चढ़ाते हो, उनके सम्मुख में ठाकुर जी की तुलसी चढ़ाते हो, उठा लाए प्रयोग में लो, क्यों उसको विसर्जन में डालते हो? जो विसर्जन के लायक है उसका विसर्जन करो, और विसर्जन भी कहां करो? छिप्रा, गंगा, नर्मदा, सरयू या आपके क्षेत्र की कोई पवित्र नदी है उस नदी में ले जाकर कोई निर्माल्य वस्तुएं मत पटको। आज वैसे ही इस पृथ्वी पर जल स्तर गिरते जा रहा है, उस पवित्र जल को हमें संजोना है, जो निर्माल्य की वस्तु मिले एकांत में किसी खेत में उसको एक खड्डे में डालकर इकट्ठा करो, जब उसकी खाद बन जाए तो जिस खेत में उसको डालोगे भगवान के प्रसाद को, वो खेत भी उज्जवल आनंद सुख प्रदान करेगा और कुछ ना कुछ अच्छा देना प्रारंभ करेगा। क्यों?
क्यों किसी पवित्र नदी को हम नष्ट कर रहे हैं? क्यों गंगा को हम कचरा डालकर नष्ट करें? क्यों यमुना को, सरयू को, छिपरा को हम नष्ट करें? हम उसको शुद्ध बनाने का प्रयास करें, हम उसको निर्मल बनाने का प्रयास करें। अपने गांव में, नगर में जो तालाब, जो बावड़ी, जो कुएं हैं, उनको हम निर्मल बनाने का प्रयास करें, शुद्ध बनाइए। किस किस के घर में तुलसी का पौधा है? सब के आए रख लो। कहां लगाए? घर के अंदर की घर के बाहर? घर के बाहर, ठीक है। दिया लगाते हो? अच्छा, कौन है वो जिस तुलसी मैया को दिया लगाते हो? कौन है वो? बोलते तो जाओ जरा जल्दी जल्दी। माता है। घर में जो सास है वो कौन है? वो भी बोलो तो, जम के बोलो जरा। माता है। बैसाख का महीना चल रहा है, बहुत जोरदार गर्मी पड़ रही है, बहुत जोरदार गर्मी, खूब जोर की। तुम्हारी सास की कुर्सी घर के बाहर लगा दो। कितने घंटे बैठ सकती है वो? बोलो जरा जम के बोलते जाओ। यहां विश्वास की कथा चल रही है, भाव और श्रद्धा की कथा चल रही है। कितने घंटे बैठेगी वो? अरे एक घंटा भी जाने दे रही जी जी हो। 15 मिनट ऐसी चिलचिलाती हुई धूप में वो बैठ जाए, बहुत कठिन बात, बहुत कठिन। तुम्हारे घर के दरवाजे पर तुलसी का क्यारा है, तुम उसको दिया लगाती हो, माता कहती हो, पूछती हो, पूजती हो। तुमने तुलसा महारानी से कहा, माँ बैसाख की गर्मी पड़ रही है, तेरे को गर्मी लग रही होगी, चल थोड़ी देर में तुझे अपने कक्ष में लेकर चलती हूँ, थोड़ी छाँव में रख देती हूँ, तेरे ऊपर एक छत्र लगा देती हूँ, थोड़ा सा एक ब्लाउज का टुकड़ा पड़ा हुआ है, पीस पड़ा हुआ है, उसको मैं तेरे ऊपर डाल देती हूँ, जिससे तुझे गर्मी कम लगेगी। कभी विचार किया? पिनाया है सबने? ए झूठे लियो पाटीदार जी, गाड़ी लगाओ जरा, सबका घर चला। देख के तो आए कितों के घर में पिनाया है, है? अरे देखा देखी में काम बिगड़ जाता है। एक बार कक्षा 8वीं का पेपर था, बच्चों के लिए एग्जाम में लिखने को आ गया, दिल्ली की सबसे बड़ी मीनार का नाम लिखो। आगे वाले ने लिख दिया, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पीछे वाले ने आगे वाले का देखकर लिख दिया, दिल्ली में कुतिया बीमार है। जितने बैठे हैं उसमें से 50, 100, 200 अरे बोलो तो सही है वो, उतना बोल। ये तो आपकी चित्तवृत्ति में, आपको थोड़ा सा वो कहते हैं ना, एक पत्नी अपने पति के पांव छूती है, एक पत्नी अपने पति को प्रणाम करती है, और बाकी की जितनी हो से पूछा गया क्या सब पांव छूती है?